वैसे तो भगवान के एक से बढ़कर एक भक्त हुए हैं, लेकिन जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सुना गया है और जिन्होंने भगवान के 50 से भी ज़्यादा दर्शन किए हैं, यानी उन्होंने प्रभु को 50 से भी अधिक बार प्रत्यक्ष रूप में देखा है, वे हैं भक्तमयी माता मीराबाई। मेरे प्यारे मित्रों, आज से मैं आपको मीरा जी के चरित्र के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया करूँगा। वैसे तो भक्त और भगवान, इन दोनों के चरित्र पूरी तरह नहीं कहे जा सकते, लेकिन प्रीति बढ़ाने के लिए, भगवान की भक्ति का प्रचार सब तरफ फैलाने के लिए प्रयास तो करना ही चाहिए। आज बात होती है मीराबाई की। मीराबाई उस समय छोटी थीं और जब उनको बचपन में ठाकुर जी प्राप्त हुए थे, उस कथा को आप आज इस वीडियो में पूरा सुनेंगे। अगर कभी कभी थोड़ा सा आपको बोर लगे तो लगने देना, क्योंकि भगवान की भक्ति की बातें शुरुआत में तो विष के समान तीखी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे आपके कदम प्रभु की तरफ बढ़ते रहेंगे, फिर आपको ये अमृत जैसी मधुर लगेगी। एक बार ऐसे ही मीराबाई अपने राजमहल में ठहरे एक संत के पास गईं। वे उस समय अपने ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। मीरा उन्हें प्रणाम करके कुछ दूर बैठकर देखने लगी। महात्मा ने पूजा करके भगवान को भोग लगाया और मीरा को प्रसाद देते हुए पूछा, क्या नाम है बेटी? मीराबाई बोली, मेरा नाम मीरा है बाबा जी, आप ये सब क्या कर रहे थे? संत जी बोले, मैं ठाकुर जी की पूजा कर रहा था। मीराबाई बोली, यह ठाकुर जी हैं? हमारे मंदिर में तो ठाकुर जी बहुत बड़े हैं, ये छोटे ठाकुर जी कौन से हैं? संत जी बोले, मैं श्री कृष्ण की पूजा करता हूँ, यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रतीक है। प्रतीक तो छोटा बड़ा कैसा भी बनाया जा सकता है बेटी, लेकिन भगवान अपने सब रूपों में समान होते हैं, उनकी शक्ति घटती नहीं है। क्या यही भगवान है महाराज, अथवा ये भगवान नहीं है? मैं समझी नहीं। संत जी बोले, बेटी भगवान तो सर्वत्र हैं, वे इस मूर्ति में भी हैं और सब जगह भी। उसका अपनी रुचि के अनुसार कैसा भी प्रतीक बनाकर श्रद्धा अर्पित की जा सकती है। वे साकार भी हैं और निराकार भी, जैसे मिश्री की डली, चाहे जिस ओर से खाओ मीठी ही लगती है। ऐसे ही भगवान हैं, चाहे जिस रूप में उनकी पूजा करो, सारे रूप में उनकी करुणा दया प्रेम भरा है। जो सर्वत्र है उसकी पूजा कैसे की जा सकती है महाराज? केवल किसी प्रतीक विशेष में ही पूजा क्यों करनी चाहिए? मीराबाई का बाल मन अनेकों प्रश्न पूछ रहा था, लेकिन संत जी ने दृष्टि उठाकर भली प्रकार से मीरा को देखा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि 5 साल की ये बच्ची कैसे कैसे गूढ़ प्रश्न पूछ रही है। मीरा अब भी अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनकी ओर देख रही थी। उन शांत निर्मल नेत्रों में उसका प्रश्न जैसे मूर्त हो उठा हो, नेत्रों में ऐसी स्पष्ट अभिव्यक्ति उन्होंने कहीं नहीं देखी थी। जिज्ञासा की गरिमा, भोलापन, कोमलता और रूप सब ने मिलकर मीराबाई को अलौकिक बना दिया था। ऐसा समन्वय कभी देखने में नहीं आया। मीरा जी ने पूछा, मैंने कोई गलती तो नहीं की महाराज, क्षमा कर देना। संत जी बोले, अरे नहीं बेटी, मैं तो तुम्हारी बुद्धि की सूक्ष्मता पर चकित हुआ। कितना रहस्यमयी प्रश्न पूछा तुमने। सर्वत्र पूजा का निषेध इसीलिए है कि प्रत्येक वस्तु और जीव के साथ हमारा व्यवहार रहता है, उन सब के साथ पूर्ण सम्मान का व्यवहार सदा नहीं कर सकते। जैसे आज किसी वृक्ष की हमने पूजा की है, कभी उसकी अगर लकड़ी की आवश्यकता हुई तो हमें उसे काटना होगा,
आज किसी पशु की पूजा की है और कल कदाचित उसको डांटना पड़ा या थोड़ा मारना पड़ा। इसमें भाव में उपेक्षा आ जाएगी। पूजा किसी की भी करें, एक की ही करनी चाहिए, जिससे ईष्ट के प्रति दृढ़ भाव और सम्मान बना रहे। आगे जाकर धारणा ध्यान दृढ़ होने पर कोई बाधा नहीं रहती, लेकिन प्रारंभ में तो ऐसा ही करना पड़ेगा। भगवान के एक ही रूप की पूजा करनी होगी। भगवान सर्वत्र हैं ऐसा अनुभव बाद में होने लगता है, लेकिन शुरुआत में तो प्रतीक से ही पूजा करनी पड़ती है। यदि यह मूर्ति आप मुझे दे दें तो मैं इसकी पूजा किया करूंगी महाराज, मीराबाई बोली। संत जी बोले, नहीं बेटी, आपने भगवान किसी को नहीं देने चाहिए, वे हमारी साधना के साध्य हैं। मैं प्रतिदिन इनसे बात करता हूँ। नन्नी मीरा की आंखें ये सुनकर भर आईं। निराशा से सांस छोड़कर उसने ठाकुर जी की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि तुम खुद ही नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कहाँ से पाऊंगी, कौन लाकर देगा मुझे तुम्हारी इतनी सुंदर मूर्ति। मैं छोटी हूँ, मेरी बात कौन सुनेगा, कौन मानेगा, मेरी शक्ति कितनी है। बाबीसा को छोड़कर और किसी के पास तो मेरे लिए समय ही नहीं है। तुम ना आओ तो मैं क्या कर पाऊंगी प्रभु। उसकी बड़ी बड़ी आंसू भरी आंखें छलक पड़ी। वो मुंह फेरकर अंतःपुर की ओर चल दी। दूसरे दिन सुबह दोबारा वो उन संत के स्थान पर जा पहुंची जहां संत जी ठाकुर जी की पूजा कर रहे थे। उसे आई जानकर एक बार आंख उठाकर उसकी ओर देखा और अपने काम में लग गए। मीरा प्रणाम करके वहीं बैठ गई थोड़ी दूर। पूजा होने पर उसने कल की तरह आरती ली, धरती पर माथा टेक कर भक्त और भगवान दोनों को प्रणाम किया। संत जी बोले, तुम ठाकुर जी को पाना चाहती हो ना? हाँ बाबा जी, किंतु ये तो आपकी साधना के साध्य हैं, कहते हुए मीरा का कंठ कांप गया। लेकिन संत जी बोले, पर अब ये तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी साधना के साध्य बनकर तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। क्या सच? मीरा आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता से भरकर बोल पड़ी। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। संत जी बोले, हाँ पुत्री, एकदम सच। रात को स्वप्न में भगवान ने मुझे आकर कहा, मुझे मीरा को दे दो, मैं उसके पास रहूंगा। इनसे बड़ा कौन है, इनके सामने किसी की क्या चलेगी, इसीलिए अब ये तुम ले लो, भरे कंठ से संत जी ने मीरा से ये बात कही। पूजा तो तुमने देख ही ली है, पूजा भी क्या बेटी, अपनी ही तरह नहलाना धुलाना वस्त्र पहनाना और श्रृंगार करना, खिलाना पिलाना, केवल आरती और धूप ही मुख्य रूप से ध्यान देना। किंतु वे मंत्र जो आपने बोले मुझे तो आते ही नहीं, मीराबाई बोली। मंत्रों की आवश्यकता नहीं है बेटी, ये मंत्रों के वश में नहीं रहते, ये तो मन की भाषा समझते हैं। इन्हें वश में करने का केवल एक ही उपाय है, इनके सम्मुख हृदय खोल कर रख दो, कोई दुराव छिराव कुछ भी दिखावा ना हो। तुम ही सोचो, जो अंतर्यामी हैं उनसे कुछ छिपाया भी जा सकता है, तब क्यों ना पहले से ही सब कुछ निरावरण कर दो। अब रही मंत्रों की बात, अपनी बात अपने शब्दों में निसंकोच कह देना। लो इन्हें ले जाओ, खूब संभाल कर रखना, ये धातु के दिखते हैं पर है नहीं, इन्हें अपने जैसे ही मानना समझना। मीरा ने संत के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और जन्म के भूखे की भांति अंजलि फैला दी। संत ने उसकी अंजलि में प्रसाद की भांति कान्हा को रख दिया और सिर पर हाथ रखकर गदगद कंठ से आशीर्वाद दिया। भक्ति महारानी, अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य सहित तुम्हारे हृदय में निवास करें, प्रभु सदा
तुम्हारे सानुकूल रहें। मीरा ठाकुर जी को दोनों हाथों से छाती से लगाए उन पर छत्र की भांति थोड़ी झुक गई और टगमगाए कदमों से अंतःपुर की ओर दौड़ गई। प्यारे मित्रों, आज का ये पहला प्रसंग आपको अवश्य अच्छा लगेगा। मैं प्रयास करूंगा कि ऐसे ही मीरा जी के सारे चरित्र एक के बाद एक आप सब तक पहुंचा पाऊं। और जो भी आप सुने, आप यही माने कि मीरा जी की जगह स्वयं को रखें, ताकि आपकी भक्ति पुष्ट हो और प्रभु भी आपके साथ रहें। राधे राधे।